हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल, वेलकम टू योर कंप्यूटर क्लास। वेल, इट इज द 13th पार्ट ऑफ आवर सेकंड चैप्टर नंबर सिस्टम एंड टुडे वी आर डिस्कसिंग सम क्वेश्चंस फॉर द रिवीजन ऑफ बाइनरी अरिथमेटिक। फाइन, वेल इन टुडेस वीडियो वी विल रिवाइज सम क्वेश्चंस व्हिच यू हैव गॉट जस्ट नाउ इन द व्हाट्सएप ग्रुप एंड आफ्टर दैट वी विल ऑल्सो डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ बाइनरी डिवीजन। फाइन, नाउ लेट्स स्टार्ट। वेल, जस्ट नाउ आई हैव गेव यू दीज थ्री क्वेश्चंस फॉर द सॉल्यूशन पर्पस एंड आई होप कि सबने इन तीनों क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया होगा। फाइन, बट अगर अभी भी किसी को डाउट है या कोई कंफ्यूजन है तो चलो हम लोग एक काम करते हैं, वी आर डिस्कसिंग ऑल दीज थ्री क्वेश्चंस विद द प्रॉपर करेक्ट आंसर्स। फाइन, यू कैन चेक योर आंसर्स और इफ इन केस जितने भी डाउट्स बेटा इन तीनों क्वेश्चंस में तुम लोगों को हुए हैं पहले इसका सॉल्यूशन चेक करो और अगर फिर भी कोई डाउट रहता है देन फर्स्ट गो एंड रिवाइज ऑल द प्रीवियस वीडियोस एंड देन यू कैन कॉमेंट डाउन ऑल योर क्वेरीज इन द कमेंट सेक्शन ऑफ दिस वीडियो। फाइन, अब जितना भी डाउट तुम लोगों को आगे किसी भी टॉपिक में आएगा तो नहीं अपकमिंग वीडियोज में अपने डाउट्स को अपडेट करना भाई, कमेंट करना, किसी भी प्रीवियस वीडियो में कमेंट मत करना, फर्स्ट थिंग। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कमेंट ऑल योर डाउट्स ऑफ कंप्यूटर्स इन द यूट्यूब ग्रुप ओनली। फाइन, ये जो हम लोगों का यूट्यूब कमेंट सेक्शन है तो यहीं पे बेटा कमेंट करना, क्लास ग्रुप में कमेंट मत करना बिकॉज फिर उसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है, प्रॉब्लम थोड़ी सी क्रिएट होती है। फाइन, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। Our first question is an addition question. एक सिंपल सा क्वेश्चन था binary addition का, that is 10011 with a base of 2 और उसमें हम लोग को add करना था 1010 with a base of 2. Fine. अब जब हम लोग इस नंबर को add करेंगे तो भाई क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग अपने फर्स्ट नंबर को नोट डाउन करेंगे 10011 और फिर हम लोग नोट डाउन करेंगे अपने सेकेंड नंबर को, दैट इज 0101 एंड देन वी हैव टू एड दीस। फाइन, जब इसको एडिशन करेंगे तो भाई देखो कैसे करेंगे। वेल, फॉर द एडिशन फर्स्ट यू हैव टू रिमाइंड ऑल द रूल्स ऑफ एडिशन। फाइन, सारे के सारे रूल्स तुम लोगों को पता होने चाहिए तभी एडिशन कर पाओगे, फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एंड सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, काइंडली मैनेज ऑल द कैरीज वेरी प्रॉपरली। फाइन, जितनी भी कैरीज जनरेट होंगी यहाँ पर सारी कैरीज को प्रॉपरली मैनेज करके हम लोगों को लिखना है। फाइन, नाउ लेट्स ऐड दिस नंबर। फर्स्ट वी हैव टू ऐड 1+0। फाइन, सो व्हेनेवर यू विल ऐड 1+0 द रिजल्ट विल बी 1। Then second we have 1+1. जब भी 1+1 को add करोगे result will be 0 and a carry of 1 will be generated. Fine, मैं अपनी सारी carries को यहाँ पर circle में note down कर रहा हूँ। Fine, now we have to add this carry 1 and these two 0, तो result आएगा हमारा 1. Fine, after that we have this 0+1. जब 0+1 करोगे result will be again 1 and then at last we have this 1. Fine, तो हम लोग इस 1 को simply note down कर देंगे, it means our final answer is 11101 with a base of 2. Now the most important thing, in all these questions of binary number system, ये जो base हम लोग लिखते हैं भाई, ये base बहुत important है, इस base के बिना question के marks नहीं मिलेंगे, it means you must have to note down this base. Fine, now let's check our correct answer. So our correct answer will be 11101 with a base of 2. अब जिसने जिसने इस question का correct answer दे दिया है भाई, you can write your marks also. Fine, for each question you have 1 mark. तो एक काम करना, इन तीनों questions के बाद फटाफट से अपने marks को comment कर देना कि भाई किसने कितने करेक्ट आंसर्स यहाँ पर अपने आप से सॉल्व करके मार्क करें। फाइन, नाउ लेट्स सी आर सेकंड क्वेश्चन। आर सेकंड क्वेश्चन इज 10101 विद अ बेस ऑफ 2 और उसमें सबट्रैक्ट करना है हम लोगों को 011 को। फटाफट से लिखते हैं और सबट्रैक्ट करते हैं भाई, तो हम लोग ऐसे नोट डाउन करेंगे, वी विल राइट 10101, फिर हम लोग अपने सेकंड नंबर को नोट डाउन करेंगे राइट साइड से, दैट विल बी 110 और सबट्रैक्ट कर देंगे फटाफट से इनको भाई, ठीक है, चलो सबट्रैक्ट करते हैं भाई। जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1-1 विल गिव यू अ रिजल्ट ऑफ 0। फाइन, अगेन वी आर फॉलोइंग द रूल्स ऑफ बाइनरी सब्ट्रैक्शन। यहाँ पर हम लोग रूल्स फॉलो कर रहे हैं सब्ट्रैक्शन के और सब्ट्रैक्शन के रूल्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है बोरो करना। फाइन, कि कब बोरो करना है, किस नंबर से बोरो करना है। फाइन, और उस बोरो को मैनेज कैसे करना है। फाइन, अब चलो देखते हैं भाई नेक्स्ट क्या है एडिशन। नेक्स्ट वी हैव 0+1। अब जब 0+1 को ऐड करोगे द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कि ये जो 0 है ये कैसा है, छोटा है और ये 1 बड़ा है, इट मींस इन दिस केस वी हैव टू टेक अ बोरो। फाइन, सो इट मीन्स वी हैव टू टेक अ बोरो। बोरो लेंगे कहाँ से, तो भाई हम लोग बोरो लेते हैं हमेशा नेक्स्ट डिजिट से, इट मीन्स वी विल टेक अ बोरो फ्रॉम दिस 1। जब इस 1 से बोरो लोगे तो ये बेचारा 1 बन जाएगा 0 एंड दिस 0 विल बी कन्वर्टेड टू 10। फाइन, एंड देन यू हैव टू सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 10। सो व्हेन यू विल सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 10 रिजल्ट विल बी 1। फाइन, इस वाले पार्ट को हम लोग बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, सो यू कैन डू वन थिंग, यू कैन रिवाइज दिस फ्रॉम द प्रीवियस वीडियोस वंस। अगर उसके बाद भी कोई डाउट रहता है यू कैन कमेंट डाउन, मैं इसको अपने नेक्स्ट पार्ट में एक बार डिस्कस कर लूंगा। फाइन, देन नेक्स्ट वी हैव द 0+0। तो भाई 0+0 विल गिव यू रिजल्ट ऑफ 0। यहाँ पर 0 क्या था, बिकॉज हम लोगों ने इस वाले 1 को वहाँ पर एज अ कैरी सेंड कर दिया था। फाइन, देन वी हैव द 0 जिसको हम लोग यहाँ पर एज इट इज नोट डाउन कर देंगे एंड देन वी हैव दिस 1 जिसको हम लोग यहाँ पर एज इट इज नोट डाउन
कर देंगे. इट मीन्स आर फाइनल आंसर इज 10010 विद अ बेस ऑफ 2. नाउ लेट्स सी आर थर्ड क्वेश्चन. वेल आर थर्ड क्वेश्चन इज 1011 विद अ बेस ऑफ 2. इन दिस वी हैव टू मल्टीप्लाई 110 विद अ बेस ऑफ 2. फाइन. अब जब भी किसी भी ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करो, फाइन, व्हेनेवर यू आर सॉल्विंग सच अ क्वेश्चन, देन यू हैव टू जस्ट कीप वन थिंग इन योर माइंड वेरी प्रॉपरली. फाइन. दैट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि भाई जब भी ऐसे मल्टीप्लीकेशन वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो दो चीजें आनी चाहिए. पहले तो हम लोगों को मल्टीप्लीकेशन के रूल्स पता होने चाहिए और दूसरा हम लोग को यहाँ पे एडिशन के रूल्स आने चाहिए. फाइन. अगर तुम लोग को एडिशन के रूल्स या मल्टीप्लीकेशन के रूल्स नहीं आते हैं तो भाई ये क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है. फाइन. तो ये दो चीजें जो है ये हम लोगों को मस्ट है इन क्वेश्चन के लिए. नाउ लेट्स सी हाउ वी कैन सॉल्व दिस. तो भाई अप्रोच सिमिलर रहेगी. पहले बड़े नंबर को या जो फर्स्ट नंबर उसको नोट डाउन करेंगे हम लोग. फर्स्ट नंबर को नोट डाउन करा, फिर हम लोग अपने सेकंड नंबर को नोट डाउन करेंगे फ्रॉम द राइट साइड, समथिंग लाइक दिस 011, एंड देन वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस. फाइन. अब जब मल्टीप्लीकेशन करोगे तो यहाँ पर बेटा सिंपल अप्रोच जो बचपन में मैथ्स में मल्टीप्लीकेशन सीखा था ना, वी हैव टू यूज द सिमिलर कंसेप्ट. फाइन. नाउ लेट्स मल्टीप्लाई एंड चेक द आंसर्स. सो व्हेन यू विल मल्टीप्लाई दिस जीरो विद द होल नंबर, ये जो हम लोग अपने जीरो को जब ऊपर वाले पूरे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे भाई, तो हमारा चारों ही डिजिट के केसेस में रिजल्ट आएगा जीरो. फाइन. बिकॉज जीरो को अगर वन में मल्टीप्लाई करो तब भी जीरो आएगा, और अगर जीरो को जीरो में मल्टीप्लाई करो तब भी जीरो आएगा. फाइन. अब आफ्टर फर्स्ट स्टेप वी हैव टू पुट अ क्रॉस ओवर दिस साइड, एंड देन वी विल मल्टीप्लाई आर अबाउट डिजिट विद दिस वन. फाइन. नाउ व्हेन यू विल मल्टीप्लाई योर अबाउट डिजिट विद दिस वन, तो पहले इस वन को वन से मल्टीप्लाई करते हैं. जब वन को वन में मल्टीप्लाई करोगे रिजल्ट आएगा वन, फिर इस वाले वन को इस वाले वन से मल्टीप्लाई करोगे रिजल्ट आएगा वन, वन को मल्टीप्लाई करोगे जीरो से तो रिजल्ट आएगा जीरो, और जब वन को मल्टीप्लाई करोगे इस वाले वन से तो रिजल्ट आएगा फिर से हमारा वन. इट मीन्स फॉर दिस केस आर रिजल्ट विल बी 1011, बिकॉज हम लोग उसी नंबर को वन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं. सिमिलरली नेक्स्ट स्टेप में हम लोग यहाँ पे दो क्रॉसेस को पुट करेंगे, एंड देन अगेन वी हैव टू मल्टीप्लाई विद दिस वन. फाइन. इट मीन्स नेक्स्ट स्टेप में हम लोगों को फिर से यहाँ पर वन से मल्टीप्लीकेशन करना है. फाइन. चलो फटाफट से इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं और देखते हैं कि हाउ वी हैव टू सॉल्व दिस. फाइन. जब इस वन से मल्टीप्लाई करोगे तो भाई रिजल्ट विल बी सिमिलर. इट मीन्स 1101, ये सेम डिजिट्स हमारी यहाँ पर अपीयर होंगी. फाइन. नाउ आफ्टर डूइंग दिस मच ऑफ मल्टीप्लीकेशन यू जस्ट सिंपली हैव टू ऐड दीज नंबर्स. फाइन. अब क्या बचा, ऐसे फिर नंबर्स को ऐड करने का टास्क बना है, तो चलो फटाफट से ऐड करते हैं इसको. फाइन. नाउ व्हेन यू विल ऐड दिस नंबर यू हैव टू ऐड दिस जीरो इन दीज टू एक्स. इन दोनों क्रॉसेस में हम लोगों को जीरो को ऐड करना है, तो भाई रिजल्ट आएगा अल्टीमेटली जीरो, बिकॉज यहाँ पे क्रॉस की कोई वैल्यू नहीं होती है. देन वी हैव जीरो प्लस वन प्लस क्रॉस, तो भाई क्रॉस की अगेन कोई वैल्यू नहीं. इट मीन यहाँ पे जीरो प्लस वन का रिजल्ट क्या आएगा, वन. देन वी हैव जीरो प्लस वन प्लस वन. फाइन. जब जीरो और वन को ऐड करोगे रिजल्ट आएगा वन, और जब वन और वन को ऐड करोगे तो रिजल्ट आएगा जीरो विद अ कैरी ऑफ वन. ऑलवेज कीप दिस इन योर माइंड कि जब भी एडिशन कर रहे हो और वन को ऐड कर रहे हो वहां पर रिजल्ट आएगा जीरो, और यहाँ पे कैरी आएगी वन. वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जब भी एडिशन कर रहे हो तो वहां पर जीरो की कोई भी वैल्यू नहीं हम लोग कंसिडर करते हैं. इट मीन्स तुम वहां पर बेटा जीरो को इग्नोर कर सकते हो. फाइन. नाउ हियर वी हैव दिस 1001, तो जीरो को हम लोग यहाँ पे इग्नोर कर देंगे. Fine. It means we just have to add this one and this one. तो result आएगा zero, यहाँ पर एक carry आ जाएगी one. Then we have this one और this one. Zero को हम लोगों ने ignore करा addition के time पे. तो यहाँ पर result आया हमारा zero और यहाँ पर एक carry आई one. Fine. अब जब हम लोगों ने इस वाले one और इस वाले one को add करा, again our result will be zero and a carry of one will be generated. और फिर हम लोग अपनी इस carry को इस side simply note down कर देंगे. Then our correct answer will be 1 4 times 0 10 with a base of 2. Fine. So it was a simple question of binary multiplication. Fine. So now till now we have discussed about the binary addition, subtraction and multiplication, each of this with one question. Fine. Now after this we have to start our second or the last concept of this chapter, that is binary division. Fine. Abhi is wali video mein hum log binary division ki calculation part ko nahi discuss karenge. It means hum log yahan pe kaise solve karna usko discuss nahi karenge. We will just do a quick introduction thing. Fine. First thing. Second most important thing, ye jo दोनों क्वेश्चंस देख रहे हो, डेफिनेशन देख रहे हो बेटा, यू हैव टू राइट डाउन दिस होल पेज इन योर नोटबुक. इस पूरे पेज को अपनी नोटबुक्स में तुम लोगों को नोट करना है. फाइन. एंड दीज टू क्वेश्चंस व्हिच आर गिवन ओवर दिस साइड, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2, इनका सॉल्यूशन के साथ ही क्वेश्चंस यहां पर हैं. सो यू हैव टू नोट डाउन दीज क्वेश्चंस आल्सो. फाइन. एंड वन मोस्ट इंपॉर्टेंट, जब इन क्वेश्चंस को नोट करना तो भाई जस्ट ट्राई टू सॉल्व देम बाय योर ओन. इन क्वेश्चंस को अपने आप से सॉल्व करने की पूरी पूरी कोशिश करनी है. फाइन. नाउ लेट्स सी व्हाट इज बाइनरी डिवीजन. जैसे हम लोगों ने सिंपल नंबर सिस्टम में या सिंपल मैथमेटिक्स में डिवीजन सीखा था, सिमिलरली व्हेन वी हैव टू डिवाइड बाइनरी नंबर्स, देन वी कैन यूज दिस बाइनरी डिवीजन. फाइन. नाउ इन आवर नेक्स्ट क्लास
we will discuss about this binary division with some questions. Till then, stay safe, keep learning, keep supporting us, and thank you for watching this video.